वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर वेवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। और आज का इस चैप्टर का हमारे फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रे ऑफ होप, यानी कि जब इंडियन टेक्सटाइल ब्रिटेन में जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके जब ऊपर बैन लग गया, ठीक है, और जो इंडियंस में जो इंडियन टेक्सटाइल था जब उसको वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा, जब जो है फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के जो वीवर्स थे उनको काफ़ी होप थी। इंडियन वीवर्स न्यू दैट द आर्ट ऑफ वीविंग इंट्रिकेट डिज़ाइंस, यानी कि जो हिंदुस्तान में जो डिज़ाइंस जो है किया जाता था, यानी कि जो वो कपड़े बनाए जाते थे वो काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन के होते थे। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन वीविंग मशीन्स, तो उनको ये पता था कि जो डिज़ाइंस हम डिफरेंट किस्म के जो डिज़ाइंस हम क्लॉथ के ऊपर जो है देते हैं तो ये डिज़ाइन जो है पॉसिबल नहीं है मशीन से बनाना। दैट प्रोड्यूस क्लॉथ इन इंग्लैंड, जो मशीन से जो क्लॉथ जो है इंग्लैंड में बनाए जाते, यानी कि जो मैनचेस्टर वुड्स थे तो वहाँ पे जो है वो मशीन जो है एक ही सिमिलर किस्म के जो है क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो वो डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन जो उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो ये एक उम्मीद थी। देयर वाज अ ग्रेट डिमांड फॉर द इंट्रिकेटली वोवन क्लॉथ बाय रिच एंड मिडिल क्लास इन इंडिया, तो इस तरह से जो इंट्रिकेट जो डिज़ाइन होते थे तो इस तरह से हिंदुस्तान में जो रिच एंड मिडिल क्लास जो लोग थे वो फैक्ट्री से जो है वो प्रोड्यूस की हुई जो है वो क्लॉथ जो है वो यूज़ नहीं करते थे, बल्कि वो किसको प्रेफर करते थे, हैंडमेड, यानी कि जो वेवर्स होते थे उन्हीं के कपड़ों को जो ज़्यादा वो प्रेफर करते थे। इंट्रिकेट डिज़ाइंस वोवन इन क्लॉथ, इंडिया हैड अनदर एडवांटेज आल्सो, दे प्रोड्यूस ए वेरी कॉरस वैरायटी ऑफ क्लॉथ दैट वाज चीफ एंड वाज यूज्ड बाय द पुअर पीपल इन इंडिया, यानी कि इंट्रिकेट डिज़ाइन करने के साथ साथ जो वो जो थ्रेड वगैरह जो इस्तेमाल करते थे वो कॉरस करते थे, यानी कि ये सेकंड क्वालिटी है इसकी कॉटन की, तो वो लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे, धागे का इस्तेमाल करते थे, और इस तरह से जो क्लॉथ जो बनता था वोवन क्लॉथ वो उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता था, इसलिए जो है इजली जो है जो पुअर पीपल होते थे इंडिया में वो भी इसको जो अफोर्ड कर सकते थे। देयर वाज ए कांस्टेंट डिमांड फॉर दिस वैरायटी ऑफ क्लॉथ आल्सो, तो इस तरह से हिंदुस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि ब्रिटिशर ने वहाँ के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के जो है वो इन्फ्लुएंस में आ गए, उन्होंने जो इंडियन क्लॉथ को बैन कर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो अभी भी जो है कॉरस कॉटन जो हैंडमेड बनाया जाता उसको प्रेफर करते थे। कॉरस वैरायटी ऑफ क्लॉथ, सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड माधुरी इन साउथ इंडिया इमर्ज एज इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर ऑफ वेविंग इन द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया में मगरबी हिंदुस्तान में और माधुरी जो है ये हमारे शुमाली हिंदुस्तान में जो है एक इंपॉर्टेंट जो है न्यू सेंटर ऑफ वेविंग जो है इमर्ज हुए थे लेट 19th सेंचुरी में। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बॉयकॉट इम्पोर्ट टेक्सटाइल एंड यूज हैंडस्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ, यानी कि जब नॉन पॉपुलर 1920 में तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने जो फॉरेन गुड्स है उनका बायकॉट जो है वो करने के लिए कहा था, और हिंदुस्तान के लोगों को ये जो है वो कहा था कि आप जो है वो इंडियन ही जो है खादी वगैरह के और जो हैंडस्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ है उनका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना है, इस तरह से इनकी जो इकॉनमी है वो वीक हो जाएगी और हमें जो है वो आज़ादी जो है वो मिलनी जो है वो आसान हो जाएगी। खादी ग्रेजुअली बिकेम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, तो इस तरह से खादी जो है बिकम जो है सिंबल ऑफ नेशनलिज्म का एक सिंबल बन गया। द चरखा कम टू बी रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राइकलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड 1931, तो उसके बाद जो चरखा जो था तो हिंदुस्तान में जब जो है ट्राइकलर फ्लैग बनाया गया था तो फिर कांग्रेस जो थी जो इस टाइम जो है मेजर पार्टी जो थी जो नेशनल मूवमेंट को लीड करती थी तो उन्होंने क्या किया जो है चरखा को जो नेशनल सिंबल था उसके बीच में जो है उसको यानी कि जो है वो एक सिंबल रखा गया और उसको जो है 1931 में उसने अडॉप्ट किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।